तो आप देख रहे हैं खावर फोटो एडिटिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ इस तरह की आज हमने एडिटिंग करनी है। लाइटरूम एप्लीकेशन में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि आप एक नॉर्मल सी पिक्चर को एक प्रोफेशनल पिक्चर कैसे बना सकते हैं, उसके जो कलर की ग्रेडिंग है वो आप कैसे बना सकते हैं। और डिटेल में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि आप एक ब्लैक प्रीसेट कैसे उसको बना के अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सभी मैं जो भी न्यू वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों ये पिक्चर ओपन हमने कर ली है गैलरी में। तो आपने यहाँ से शेयर पे जाना है, शेयर पे जैसे ही जाएंगे आपने यहाँ से इसको लाइट रूम अप्लीकेशन में ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने चले जाना है लाइट रूम अप्लीकेशन में। हम आ जाते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि हमारी जो पिक्चर है वो फर्स्ट नंबर पे ऐड हो चुकी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने यहाँ से जो ऑटो वाला ऑप्शन है आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसको जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो इसकी ऑटो की एडजस्टमेंट है वो हो जाती है ऑटो ही। उसके बाद आपने यहाँ से कलर्स में आ जाना है। कलर्स में जैसे ही आएंगे आपने मिक्स में आना है। मिक्स में आने के बाद आपने यहाँ से सैचुरेशन को आपने बढ़ा देना है जिससे जो लिप्स के कलर हैं वो थोड़े बहुत रेड हो जाते हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट कलर को आपने सेलेक्ट करके लीनियर्स को आपने यहाँ से बढ़ा देना है जिससे आपका जो फेस का कलर है वो वाइट हो जाता है। आप देख सकते हैं इसको माइनस करेंगे तो ये ब्लैक हो जाएगा। हम इसको वाइट करना है तो आपने इसको बढ़ा देना है। उसके बाद आपने येलो पे आ जाना है तो येलो की सैचुरेशन को आपने यहाँ से इंक्रीज करके ह्यूज को आपने यहाँ से बढ़ा देना है। उसके बाद ग्रीन पे आना है। ग्रीन पे जैसे ही आएंगे यहाँ से आपने इसकी जो ह्यूज वाली है वो आपने इसको कम कर देना है। आपके सामने एक नई लुक जो है आपको देखने को मिलेगी। इस तरह आपने इसकी सैचुरेशन को कम कर देना है। उसके बाद ब्लू में आना है तो इसकी भी सैचुरेशन को आपने बिल्कुल माइनस कर देना है। तो आप देख सकते हैं वो ब्लैक टोन में कन्वर्ट हो चुकी है। बाकी इन सब की जो सैचुरेशन है उसको आपने यहाँ से ऑफ कर देना है। और आप यहाँ से इसकी ट्यून को ब्लैक करना चाहते हैं तो यहाँ से सारी सैचुरेशन को आप ब्लैक करेंगे तो वो ब्लैक हो जाएगी। तो जो भी आपने इसकी सैचुरेशन रखनी है वो आप इस तरह से इसको जो है वो ट्यून को बना सकते हैं इस तरह से। यहाँ से आपने इसकी सारी सैचुरेशन को आपने यहाँ से कम कर देना है। तो ये देखिए हमारी जो पिक्चर है वो ब्लैक टोन में कन्वर्ट हो चुकी है। आपने यहाँ से डन करना है। उसके बाद आपने इफेक्ट में आना है। वीगो नेट को आपने यहाँ से माइनस कर देंगे ताकि जो साइडों पे बॉर्डर है वो माइनस पे हो जाए। उसके बाद डिटेल में आना है। यहाँ से नोज रेडिएशन को हाफ करके डिटेल को आपने यहाँ से फुल कर देना है। इसी तरह कलर्स नोज रेडिएशन को हाफ करके डिटेल को आपने यहाँ से फुल कर देना है। तो ये देखिए आपकी पिक्चर जो है वो काफ़ी हद तक अट्रैक्टिव बन चुकी है। तो अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ से शेयर पे जाके शेयर टू डिवाइस करेंगे तो आपकी पिक्चर जो है वो गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी। ये देखिए आपकी जो पिक्चर है वो गैलरी के अंदर सेव हो चुकी है। इसी तरह आपने शेयर पे जाना है, शेयर टू करेंगे और एक और एप्लीकेशन की हमें ज़रूरत पड़ती है, उसका नाम है टूल वेज एप्लीकेशन। आपने इस पे आ जाना है, अपनी पिक्चर को शेयर कर लेना है। तो हमारी डायरेक्ट जो पिक्चर है वो टूल वेज एप्लीकेशन में ओपन हो चुकी है। आपने इफेक्ट में आना है, उसके बाद सॉफ्ट स्मूथ को आपने यहाँ सेलेक्ट करना है। इसमें क्या होगा कि आपके जो हेयर हैं ऑयल पेंट हम कर लेते हैं। उसके बाद आपने मास्क में आना है, क्लीन कर देंगे और जस्ट आपने इस तरह से हेयर के ऊपर इनको अप्लाई करना है। तो ये देखिए हमारे हेयर हैं वो ऑयल पेंट हो चुके हैं और आपने डन कर देना है। उसके बाद आपने पोर्ट्रेट में आ जाना है, यहाँ से फिल्टर में आना है। फिल्टर में आने के बाद पोर्ट्रेट में आएंगे तो एक जो फिल्टर है हम इस पर अप्लाई कर देते हैं ताकि जो पिक्चर है वो मज़ीद अट्रैक्टिव लगे। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ से फ़िल्टर काफ़ी सारे हैं, इसको आप चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप बना सकते हैं इस तरह से। ये देखिए ये भी बहुत ही कमाल का जो है वो फ़िल्टर है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं
जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप इस पर अप्लाई करके अपनी पिक्चर को एक कमाल की पिक्चर जो है वो लुक दे सकते हैं। इस तरह से आपने इसको डन कर देना है और यहाँ से ऊपर आके सेव कर देना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाजमी से एक लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मैं जो भी नई वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपको मिले। तो मिलती है अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।